बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नाज़रे में है, आप लोगों ने अव्वल कलमे का तर्जमा जो है वो रीड करना है और अच्छी तरह से याद भी करना है। उसके बाद हमारा जो पोइम्स हैं वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोगों की जो उर्दू की नज़म है, टू उर्दू की हैं और टू ही इंग्लिश की हैं, वो अपने रीड करनी है। राजा रानी, बुलबुल का बच्चा, उसके बाद इंग्लिश की जो है बाबा ब्लैक शीप और डिंग डोंग बेल, ये आपकी फोर पोएम्स हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करनी है और याद भी करनी है। उसके बाद हमारा जो आज का उर्दू का टॉपिक है वो है वर्ड हमारा दुआद। वर्ड क्या है हमारा? दुआद। ज़ुआद से ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। ज़ुआद से ज़खीम, ज़खीम। ज़ुआद से ज़रब, ज़रब। ज़ुआद से ज़ईफ़, ज़ईफ़। इसी क्लास में रिपीट कर रही हूँ अब साउंड्स के साथ। ज़ुआद से ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। ज़ुआ से ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। ज़ुआ से ज़खीम, ज़खीम, ज़खीम। ज़ुआ से ज़खीम, ज़खीम। ज़ुआ से ज़रब, ज़रब, ज़रब। ज़ुआ से ज़रब, ज़रब। ज़ुआ से ज़ईफ़, ज़ईफ़, ज़ईफ़। ज़ुआ से ज़ईफ़, ज़ईफ़। ये आप लोगों का आज का उर्दू का जो है पेज नंबर 77 है, ये आपने रीड भी करना है और याद भी करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ज़ुआ से ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। ज़ुआ से ज़खीम, ज़खीम। ज़ुआ से ज़रब, ज़रब। ज़ुआ से ज़ईफ़, ज़ईफ़। ये आप लोगों का आज का लेसन है। उसके बाद नर्सरी क्लास हमारी उर्दू की आज एक्टिविटी है, हरफ से मतलब चीज़ों पर निशान लगाएं। आपके पास वर्ड है ज़ाल। वर्ड क्या है? ज़ाल। ज़ाल से जो चीज़ें बनती हैं उनके, ये देखें सर्कल दिए हुए हैं, उसमें आपने ऐसे टिक का निशान लगाना है। किसका निशान लगाना है? टिक का। जैसे ज़ाल के साथ ज़खीरा, यहाँ आपने टिक लगाना है। ज़ाल से ज़रात, यहाँ भी टिक लगाना है। फिर ज़ाल से ज़ईफ़, यहाँ भी आपने टिक लगाना है। ज़ाल से ज़हीन। तो आप लोगों की आज की एक्टिविटी है। उसके बाद नर्सरी क्लास हमारा आज का जो मैथ का टॉपिक है वो सेम है, एडिशन। कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर आपने वैसे ही करने हैं। दोनों वर्ड के ऊपर लाइंस लगा के फिर उनको आपस में ऐड करना है। जो आंसर आया वो आपने इस बॉक्स में राइट कर देना है। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह हल करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसे टू है, टू लाइंस ऊपर लगाई, फिर थ्री है, थ्री लाइंस लगाई, उनको आपस में ऐड करना है, आपके हमारे पास फाइव आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस। यूज़ ऑफ दिस का आज हमारा टेस्ट है आप लोगों का। फाइव सेंटेंस हैं, आप लोगों ने इसके टेस्ट की तैयारी करनी है अच्छी तरह। यह आप लोगों का फुल टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का जो हमारा बुक का लेसन है वो है फाइव वर्ड्स साउंड्स। द इज दिस, जहाँ टी और एच इकट्ठा जाए, मैंने आपको बताया था उसकी साउंड क्या है, द।
जहाँ टी और एच इकट्ठा आ जाए उसकी साउंड क्या है, द द इस दिस द एट दैट द एन देन द ई डी द ए दे। ऐसी क्लास ये आपके 5 वर्ड्स हैं आज का आपका लेसन। आपने साउंड्स की साउंड्स रीड करने हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द इस दिस द एट दैट द एन देन द ई डी द ए दे। हम फिर से रिपीट करते हैं, द इस दिस द एट दैट द एन देन द ई डी द ए दे। इसी क्लास ये आप लोगों के 5 वर्ड्स हैं, आपने साउंड्स बनाने हैं इनके।